भाई बाल लेकर आए हैं राजा बाबू के लिए, और एक और कैच है या देखते हैं बंटी भाई है ऊपर और फिर से कैच ड्रॉप कर। तो स्वागत है, काफी दिन बाद फिर एक ब्लॉग लेकर आया हूं। और आज शाम के टाइम हम लोग क्रिकेट खेलने आए थे, ये पीछे जो पिच दिख रही है हम लोगों ने 22 रन बनाए हैं। अभी सामने वाली टीम उतरेगी, अब देखेंगे कितने रन बनाती है। हम लोग फील्डिंग कर रहे हैं, कितने रन बनते हैं। और व्हाइट गेंद, पहली गेंद विक्रम भाई ने व्हाइट फेंक दी है। पहला मैच जबकि हम लोग हार चुके हैं। काफी अच्छी बॉलिंग विक्रम भाई के द्वारा। भाई के पास कैच और ये आउट, कैच छोड़ दिया है बंटी ने, कैच छोड़ दिया है विक्रम की गेंद पर, नहीं तो सफलता मिल जाती बिना कुछ रन दिए। बल्ला छुड़ा लिया हमारा भाई ने। तो फिर 22 रन हुए, फिर क्या लगता है जीतेंगे अपन? जीतेंगे, अब की बार तो अपनी। बाल लेकर आए हैं राजा बाबू के लिए, और एक और कैच है या देखते हैं बंटी भाई है ऊपर और फिर से कैच ड्रॉप कर दिया है बंटी भाई ने। दो कैच ड्रॉप कर दिए हैं राजा बाबू के बंटी भाई ने। विक्रम भाई काफी अच्छी बॉल करते हुए, इस तरह से एक ओवर में 9 रन हो गए हैं और जीत के लिए 26 रन चाहिए, और जबकि दो कैच भी ड्रॉप हो गए हैं। अब देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। कैच ड्रॉप बंटी, तीन कैच ड्रॉप हो चुके हैं राजा बाबू के, तीन कैच ड्रॉप हो गए हैं। ये पिच बनाई है, इसमें आपने कितनी मेहनत की है? बहुत मेहनत करी, 4-6 दिन तक पानी से चीची सब टूटी। और हमारे राजा भाई आउट हो गए हैं, घोड़ा बैठने के लिए लड़ रहे हैं। गोलू भाई कितने रन बनाए? 7 रन पे गोलू भाई आउट हो गए हैं।